जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम फील्ड क्राफ्ट को बड़े ही आसानी के साथ और अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है आपके बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फील्ड क्राफ्ट होता क्या है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। क्राफ्ट मतलब होता है किसी भी चीज की कला, फील्ड मतलब होता है क्षेत्र। जब कोई भी हम वॉर में होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही होती है, उस टाइम पे हम फील्ड का, हम क्षेत्र का, उस क्षेत्र का किस तरीके से यूज करते हैं अपने फायदे के लिए, ताकि हमको एडवांटेज मिल सके, उस चीज को हम फील्ड क्राफ्ट कहते हैं। अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। सैन्य प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, क्योंकि यह दुश्मन के सामने एक सैनिक के आचरण से संबंधित है कि सामने दुश्मन है तो सैनिक किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। ठीक है, फील्ड क्राफ्ट जमीन और हथियार का उपयोग करने की एक कला है। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे पास हथियार मौजूद है, जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्र में पहाड़ हो सकते हैं, कोई पेड़ हो सकता है, पेड़ का उपयोग करके हम किस तरीके से फायदा ले सकते हैं लड़ाई के अंदर, तो इस तरह की चीजें किसके अंदर आती हैं, फील्ड क्राफ्ट के अंदर आती है। ठीक है, तो अब इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है ना, वो ये कहते हैं कि फील्ड क्राफ्ट में ये बताओ दूरी मापने के कितने तरीके होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं और उन तरीकों का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहले तो दूरी मापने का तरीका है माप की इकाई। मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे याद है, मुझे मेरे एएनओ सर ने बड़े अच्छे से समझाया था, जब से मुझे अब तक याद है। सबसे पहला तो है माप की इकाई, यूनिट ऑफ मेजर्स। इस विधि में क्या होता है, 100 गज विधि भी कह देते हैं, मतलब 100 गज विधि भी कह देते हैं। चुने गए माप की इकाई आमतौर पर 100 गज की होती है, और इसीलिए जमीन पर 100 गज की दूरी पर एक अच्छा विचार बनाना चाहिए। हॉकी मैदान की लंबाई इस उद्देश्य के लिए सबसे अच्छी यार्ड स्टिक है। देखो, दूरी मापने की जरूरत पड़ती है। मान लो कोई भी वेपन चलाना है, कोई मिसाइल दागनी है, तो हर एक चीज की रेंज होती है, ठीक है। तो उससे पहले हमें इतना अंदाजा होना चाहिए कि वो जो टारगेट है हमारा, वो हमसे इतनी दूरी पर है, ठीक है। अब वहां पे हम कोई फीता लेके तो माप नहीं सकते, तो अलग अलग तरीके होते हैं मापने के, ठीक है। तो वो ये चीज है, सबसे पहला तो 100 गज की कोई भी चीज है, जैसे खंबे खड़े होते हैं, खंबे जो खड़े होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर खड़े होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हॉकी के मैदान की बात कर रहे हैं, तो वो 100 गज का होता है, ठीक है, वो एक यार्ड स्टिक का काम करेगा। तो हम देख लेंगे कि कितने एक हॉकी के मैदान आ सकते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, अंदाजा लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से माप की इकाई के द्वारा हम जो हमारा टारगेट है, उसकी जो डिस्टेंस है हमारी पोजीशन से, उसको नाप सकते हैं, ठीक है। किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट की दूरी 100 गज की एक काल्पनिक इकाई होगी, जिसे पर्यवेक्षक और वस्तु के बीच रखा जाएगा। बस यही आपको करना है, सेम चीज है। यह विधि 100 गज से ऊपर स्टीक नहीं है, और यदि पर्यवेक्षक और वस्तु के बीच मृत जमीन है तो इसका बहुत कम उपयोग है। मृत जमीन क्या होता है, मृत जमीन हम डेड ग्राउंड को कहते हैं। आप अंदाजा लगाओ, देखो मान लो बहुत लंबा एक मैदान पड़े, और मैदान के बीच में खाई है, एक सीधी डायरेक्ट खाई खोद रखी है, और फिर आगे ग्राउंड है। तो अगर हम बराबर देखेंगे बहुत दूर से, तो हमको वो खाई नहीं दिखेगी, हमको सीधा लगेगा कि ग्राउंड है और आगे भी ग्राउंड है, लेकिन वो बीच की डिस्टेंस होगी ना, उसका हमको अंदाजा नहीं लग पाएगा। उसी को हम डेड ग्राउंड कहते हैं, मृत जमीन कहते हैं। तो अगर वो चीज बीच में आती है ना, तो ये विधि स्टीक नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये बात यहां पर कही गई है। सेकेंड जो विधि है ना, वो प्रकटन विधि इंग्लिश के अंदर, इसको अपीयरेंस मेथड कहते हैं। विभिन्न श्रेणियों में मनुष्य की विस्तृत उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए दूरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये रफली अगर मैं बताऊं, तो ऐसे लगता है कि जैसे इतनी दूरी पे बंदा साफ दिखता है, ये पता होना चाहिए। इतनी दूरी पे बस वो छोटा सा दिखेगा, इतनी दूरी पे वो आधा दिखेगा। तो मान लो उससे हमको अंदाजा लग जाता है कि वो जो पर्सन खड़ा है या वो जो टारगेट है ना, वो कितनी दूरी के ऊपर है। देखो जैसे 200 गज की दूरी पर शरीर के सभी भाग अलग अलग होते हैं। अलग अलग यहाँ पे होने का मतलब है कि बंदे के सभी पार्ट दिखाई देंगे और दिखेंगे, हाँ हाथ पैर सारी चीजें दिखेंगी 200 गज के ऊपर। 250 गज के ऊपर जो फोरसाइट वाला ब्लेड होता है ना, उसमें नी एक घुटने वाला आदमी, यहां पे थोड़ी सी जब ट्रांसलेशन करी है ना, उसमें ये थोड़ा अजीब हो गया है। हालांकि नीलिंग मतलब अगर कोई व्यक्ति घुटनों पर बैठा है, तो इतना सा फोरसाइट ब्लेड के अंदर से अगर जब हम देखते हैं, तो 250 गज की दूरी पर इतना सा दिखेगा वो, ठीक है। 300 गज की दूरी के ऊपर चेहरा धुंधला हो जाता है। अगर हम सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और उसका हमको चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा वो कौन है, उसको हम पहचान नहीं पा रहे, तो इसका मतलब वो कितने गज की दूरी पर खड़ा है, 300 गज की दूरी पर खड़ा
हाँ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट 400 गज की दूरी पे क्या होता है, 400 गज की दूरी पर पूरा शरीर आकार में एक जैसा रहता है लेकिन चेहरा भेद करना मुश्किल हो जाता है। फोर साइड का ब्लेड एक खड़े आदमी को कवर कर लेता है। पहले वाले में क्या था कि फोर साइड का ब्लेड था ना आधे आदमी को कवर करता था, अब ये जो फोर साइड का ब्लेड है ये पूरे आदमी को कवर करने लग जाएगा 400 गज के ऊपर। ठीक है, आकार में शरीर वैसा ही रहेगा लेकिन चेहरा का भेद करना मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कौन सा बंदा है। नेक्स्ट 500 गज की दूरी पर शरीर कंधे से थोड़ा टेपर प्रतीत होता है लेकिन अंगों की गति अभी भी देखी जा सकती है, इस तरीके से ये थोड़ा दिखेगा। 600 गज की दूरी पर सिर डोट के रूप में दिखाई देगा, विवरण दिखाई नहीं दे रहे और सिर कंधों से नीचे की ओर ध्यान देने योग्य है। मेन चीज यही है कि 600 गज के ऊपर है ना वो सिर बिल्कुल डोट की तरह दिखाई देगा। तो आप इस तरीके से इस चीज को याद कर सकते हैं कि कितने गज की दूरी पे कितना होता है। इसको अपीयरेंस मेथड कहते हैं, हम देख के पता लगाते हैं कि हाँ बंदा पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये आप दोबारा देखिएगा, रिवाइज करकेगा और फिर आप एग्जाम में इस तरीके से अगर लिखते हैं तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है औसत, ये बढ़िया तरीका है। ठीक है, सेक्शन की एवरेज मतलब हाँ सेक्शन होते हैं, प्लाटून होते हैं, जो भी चीज़ है। अब क्या करो, 10 बंदे ले लो, कोई भी 10 बंदों से पूछो हाँ भाई वो जो सामने चीज़ है ना वो कितनी दूरी पर है। मान लो किसी ने बताई 100, किसी ने बताई 50, किसी ने बताई 150, किसी ने बताई 300। ठीक है, आप उन सारों को इकट्ठा लो और उनकी एवरेज ले लो। उनकी जो एवरेज लोगे ना, उनका जो औसत लोगे ना, वो ऑलमोस्ट सेम ही पाएगा। इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि जिसका कुछ ज़्यादा ही है, मान लो सभी बता रहे हैं 100, 150, 200 तक बता रहे हैं और एक बोलता है 1000, तो ऐसे वाले को हटा दो। ठीक है, और ये मान लो 100, 150 बता रहे हैं सारे, कोई बोलता है 5 तो उसको भी हटा दो। ठीक है, तो ये दो यूनिट हटा के आप जो पास पास की यूनिट है ना उनको लेके और उनका एवरेज ले सकते हो, तो बहुत बढ़िया एवरेज आएगा। इस विधि का सारा लिया जा सकता है। अनुभाग के प्रत्येक आदमी को किसी दिए गए ऑब्जेक्ट की दूरी पर न्याय करने के लिए कहा जाता है। पूरे खंड द्वारा दिए गए उत्तरों के औसत को दूरी के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहाँ कुछ अनुमानों में सावधानी बरती जानी चाहिए, जो मूर्खता से दूरी का अनुमान लगा सकते हैं। तो मैंने बताया कि ऐसे मूर्खता वाले को हटा दो भाई, दिख जाएगा वो तो। ये काम कब कर सकते हैं हम, एक तो पर्याप्त समय हो, टाइम पूरा हो भाई, क्योंकि हर एक बंदे से पूछेंगे सारी चीज़ें करेंगे, तो टाइम पूरा हो जब ये काम कर सकते हैं, या फिर दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो, धुंध है, अंधेरा है। अब उसमें तो हम नहीं अंदाजा लगा सकते, दिखेगा नहीं, अपीयरेंस मेथड काम नहीं करेगा धुंध और अंधेरे में, तो उस टाइम पे हम पूछ सकते हैं। ठीक है, और 400 गज से परे हो तो उस टाइम पे भी हम पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं की रेंज की। की रेंज मेथड किसको कहते हैं, यदि निश्चित वस्तु की सीमा ज्ञात है तो अन्य वस्तुओं की सीमा ज्ञात दूरी ज्ञात हो सकती है, ज्ञात सीमा के संबंध में पाया जा सकता है। इस विधि को कुंजी रेंज कहते हैं। इसका प्रयोग होता है किस चीज के लिए, यार्ड स्टिक में तो हमको 100 मीटर की कोई चीज है, यूनिट है, वो ले ली हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है जैसे की रेंज, हमको मान लो पता है कि खंबे जो होते हैं ना, मान लो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कितने पे होते हैं, मान लो खंबे जो होते हैं वो 200 मीटर पर लगे होते हैं, तो अब गिन लो कितने खंबे हैं, जहाँ तक हमारा टारगेट है तो वहाँ तक जितने खंबे होंगे उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको हम की रेंज कहते हैं। नेक्स्ट इज हाविंग। हाविंग मतलब आधा करना किसी चीज़ को, किसी वस्तु के निरीक्षण और लक्ष्य के बीच आधे रास्ते के लिए चुना जाता है, चयनित ऑब्जेक्ट की दूरी को आंका जाता है। इसमें ऐसे है कि जहाँ पे हमारा टारगेट है ना, मान लो उसके एग्जैक्ट बीच में कुछ और चीज़ है और उसके बारे में हमको पता है कि ये तो ना इतनी दूरी पर है, तो उसका दुगना कर दो, अपने आप निकल आएगी डिस्टेंस जो हमारे टारगेट की है। नेक्स्ट इज ब्रैकेटिंग। ब्रैकेटिंग में क्या होता है, पर्यवेक्षक वस्तु की अधिकतम और न्यूनतम संभव दूरी तय करता है और फिर दूरी को उदाहरण के रूप में स्वीकार करता है। अधिकतम संभव दूरी 1000 गज, न्यूनतम संभव दूरी 500 गज अगर है तो फिर वही बात होगी, यहाँ पे 750 गज आ जाएगा। मैक्सिमम और मिनिमम जो मान लो कुछ भी, मैक्सिमम 1000 गज होगी, मान लो मिनिमम 500 होगी, तो बीच की निकाल लो 750 गज, इसको क्या कह देते हैं, ब्रैकेटिंग कह देते हैं। ठीक है, किसी भी मामले में ब्रैकेट 300 गज से कम नहीं होनी चाहिए, ये बात हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये 6 तरीके हैं। ठीक है, किस चीज के 6 तरीके हैं, ये दूरी मापने के 6 तरीके हैं। किसमें काम आता है, फील्ड क्राफ्ट में काम आते हैं। फील्ड क्राफ्ट क्या होता है कि जो भी हमारे पास हथियार हैं या जमीन है उसका प्रयोग करके हम दुश्मन को कैसे धूल चटा सकते हैं या अपना फायदा कैसे ले सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला था यूनिट ऑफ मेजर, ये डायरेक्ट आप लिख के ले आ सकते हैं। दूसरा है अपीयरेंस मेथड यानी कि प्रकटन विधि। तीसरा यहाँ पर है
अनुभाग सेक्शन एवरेज यानी कि अनुभाग औसत, फोर्थ यहां पर है की रेंज मेथड, और फिफ्थ यहां पर है आधा हाफ करना, और सिक्स्थ यहां पर है ब्रैकेटिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी।